नमस्कार दोस्तों, प्रदेश गठबंधन सरकार ने अभी अभी रक्षाबंधन पर लड़कियों के लिए 10 नए कॉलेजेस का ऐलान किया था और ठीक दो दिन बाद कल बुधवार को बीजेपी जेजेपी की चंडीगढ़ में हुई एक बैठक के बाद कंवर पाल जी ने बताया कि राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सत्ता पक्ष ने एक और कदम उठाया है, सभी हलकों में संस्कृति मॉडल स्कूल्स खोलने का। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि संस्कृति मॉडल स्कूल्स सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ कॉन्वेंट स्कूल की तरह ही सुविधाएं होंगी और स्टाफ भी हाईटेक होगा। अभी प्रदेश में ऐसे स्कूल्स का नंबर कुल 22 है, जिसे बढ़ाकर 104 करने का निर्णय लिया गया है। ये स्कूल्स किस हलके के किस गांव या कस्बे में खोले जाएंगे, इसका चयन वहां के विधायक करेंगे और टीचर्स की नियुक्ति के लिए सरकारी टीचर्स की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी किया जाएगा। इस बैठक में नई शिक्षा नीति पर भी बात हुई और सीएम शिक्षा मंत्री के अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। कई सारे और मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसके बाद खट्टर जी ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में सरकार प्रदेश में कुछ नए प्रयोग भी करेगी, जिसमें बस्ता रहित अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स का उदाहरण रखा गया। बता दें, अभी तक 418 स्कूल्स को सरकार बैगलेस कर भी चुकी है। राज्य में प्लेवे स्कूल्स का नंबर भी 1000 तक ले जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अभी हाल ही में सीएम ने अधिकारियों से प्लेवे आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड करके स्मार्ट लर्निंग प्लेवेज में बदलने के लिए भी आदेश दिया था, ताकि 3 से 6 साल की उम्र के छात्रों को एनिमेशंस और ऑडियो विजुअल्स के सहारे संज्ञात्मक शिक्षा मुहैया कराई जा सके। बैठक में ऑनलाइन शिक्षा व स्कूल्स की फीस कम कराने के बारे में भी चर्चा हुई। इस साल स्कूल प्रबंधन कमेटी फीस कम करने पर भी फैसला ले सकती है। विधायकों ने कहा कि संसाधनों की कमी होने के कारण कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं। नीलोखेड़ी के विधायक धर्मेंद्र पाल जी ने कहा कि स्कूल्स में विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, सीट्स खाली पड़ी हैं। ऐसे में जहां अधिक टीचर्स हैं, वहां से दूसरे स्कूल में भेजे जाएं तथा वेतन भी बढ़ाया जाए। इसी के साथ बता दें कि हाई कोर्ट के आए फैसले के बाद हरियाणा के स्कूल्स को ऑनलाइन शिक्षा के लिए फीस की मांग करने की अनुमति दी जा चुकी है, मगर फीस बढ़ाने के लिए रोक लगा दी गई है, ताकि अभिभावकों पर इस कठिन समय में कोई बोझ ना पड़े। तो ये थी हरियाणा मीडिया न्यूज की तरफ से हरियाणा के शिक्षा खेमे पर नई जानकारियां, जिनका आपका जानना बहुत जरूरी था। धन्यवाद।